नए सिंगर्स को गाने क्यों नहीं मिलते हैं, इसके पीछे का बिजनेस समझने की कोशिश करिए। अगर वो नए सिंगर को गाने देंगे तो पता है क्या होता है उससे, मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे अच्छा खासा कमा रहे हैं बिना किसी लेबल से जुड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। टी सीरीज गाने क्यों नहीं देता है, आज मैं इस पर खुल के बात करने वाला हूं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आज मैं इस पर खुल के बात करना चाहता हूं। लेट स्टार्ट। और इसके सोल्यूशन पर भी आएंगे, इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन पर आएंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टी सीरीज ये जो घटिया गाने निकालता है, मोस्टली 20% गाने अच्छे होते हैं जैसे पछतावे वगैरह, फिर बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो रिमिक्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो इनका कोई सर पैर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो कंट्री की साइकोलॉजी है उसको इन लोगों ने समझ लिया है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं इसको एग्जैक्टली कि ये हो क्या रहा है। जो कुछ लोग पसंद करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों के माइंड में ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसी को अगर रिपीट कर देंगे तो क्या होता है कि वो गाना हिट हो जाता है। कैसे, कोई भी गाना है उसको उठाया, वो पहले लुट गए, और ये जो गाने थे रश के कमर और ये मेहंदी प्यार वाली हाथों की, ये जो जो गाने थे इसको उठाया और उसके बाद क्या किया, इनको रिमिक्स करके डाला, चालू कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इनका सर्टेनिटी ज़्यादा होती है कि हाँ गाने से पैसा आएगा, गाना हिट होगा। इनको हर गाने को 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन पहुँचाना है। नोरा फतेही को उठा के लेके आ गए, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे दिखाना चालू कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि अटेंशन मिलने लगी। नए सिंगर्स को गाने क्यों नहीं मिलते हैं, इसके पीछे का बिजनेस समझने की कोशिश करिए। अगर वो नए सिंगर को गाने देंगे तो पता है क्या होता है उससे, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी को कोई देखेगा ही नहीं, ठीक है। अब होता क्या है कि आप जो ब्लेम करते हो टी सीरीज को या फिर दूसरे लेबल्स को, पहले इसके पीछे का फिनोमेना समझने की कोशिश करो। कोई भी बिजनेस फायदे में अगर नहीं चलता है तो वो ठप हो जाता है, पर टी सीरीज ये सब करके पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा फायदे में है। आज आप जानते हो कहाँ निकल गया है वो, 100 मिलियन टॉप 1 पे आता है वो। तो कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस अगर चलता है तो वो चलता है लोगों से, लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हमारे घर में मम्मी पापा लगा के देखते रहते हैं। क्या हम बंद करवाते हैं क्या जाके, नहीं करवाते हैं जाके। तो ये टी सीरीज की जो ये जो प्रॉब्लम है, टी सीरीज की नहीं है, ये लोग ही वही चीज़ देख रहे हैं। आप देखो, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने मेरे आसपास या फिर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे हर कोई टिकटॉक के अगेंस्ट था, लेकिन टिकटॉक के फिर भी व्यूज़ थे। हर कोई गाली बकता था वो चिकन लॉलीपॉप को और पता नहीं कौन कौन से वो जो चीज़ें थी, लेकिन फिर भी लोग देखते थे। हो क्या रहा है समझने की कोशिश करो, लोग देख रहे हैं इस वजह से वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इस वजह से लोग नहीं देख रहे हैं, समझने की कोशिश करो। वो कोई भी बिजनेस बिना कस्टमर के नहीं चलता है, उनको बहुत तगड़ी अटेंशन मिल रही है। 135 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ सिंगर मान लो हैं, उसमें से मान लो 50 लाख सिंगर्स अच्छा गाते हैं, तो 50 लाख काट दिया, कितना बचा, 134 करोड़ 50 लाख मान लो बचा, 134 करोड़ 50 लाख लोग देख रहे हैं, और सिर्फ 50 लाख लोग बैठ के डक 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 कर रहे हैं, यू नो, पीछे अगेंस्ट है उसके। लोग देख रहे हैं इस वजह से वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इस वजह से लोग नहीं देख रहे हैं। आप ये समझने की कोशिश करो, ये प्रॉब्लम उनकी नहीं है, ये लोगों की प्रॉब्लम है, लोग देख रहे हैं। कोई भी चीज़ चल रही है तो उसको और चलाना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ठप हो जाएगी कंपनी, राइट। सो बेसिकली लोग देख रहे हैं इस वजह से वो कर रहे हैं। सेम टिकटॉक के साथ हुआ था। अब एक बात बताइए, वह फैजू जो टिकटॉक था, वो कौन सा बेवफा करके कोई गाना आया था, उसमें फैजू को ले लिया, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स उनको ले लिया। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि उनको ऑलरेडी लोग फॉलो करते हैं, तो वो तो आएंगे आएंगे, दे वॉन्ट सर्टनिटी। अब यहाँ पे एक गड़बड़ ये होती है कि ये लोग जो हैं चाहे तो अच्छा प्रीमियम कंटेंट निकाल सकते हैं, बस वही गलती हो रही है कि वो कंटेंट नहीं निकल रहा है, वो कंटेंट नहीं निकल रहा है, वो करप्शन में जा रहा है। अब ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको, अब इसका हम मतलब ये क्या करें, हम जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक इसको डंडा करते रहेंगे, इस चीज़ को लेके हम इस चीज़ के पीछे बैश करते रहेंगे, इस चीज़ के पीछे रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हैं, छोटा बच्चा है उसको खिलौना नहीं मिल रहा है तो रो रहा है आदमी, यही कर रहे हैं हम। इसका सलूशन क्या है, पहले तो आपको ये मोमेंटम पूरा समझना है कि मोमेंटम है क्या। टिकटॉक जो लोग अगेंस्ट है ना टिकटॉक के,
वो इस वजह से अगेंस्ट थे क्योंकि टिकटॉक अच्छा नहीं है, लोग फिर भी देखते थे। अरे मेरे दोस्त कई सारे बोलते हैं बकवास है बकवास है, फिर खाली टाइम में अपने आप हाथ चला जाता है, अपने आप निकाल के देख रहे होते हैं लोग। मतलब लोगों का कॉन्शियस माइंड तो जानता है लेकिन सब कॉन्शियस वहीं पर अट्रैक्टेड है, ठीक है। इसी वजह से टिकटॉकर्स को यहाँ पर लाया गया और गाने बनाए गए। और अब मैं बताता हूँ, ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब के जो गाने उठा के ये लोग रिमिक्स करते हैं, वहाँ से राइटर्स से कॉन्टैक्ट किया जाता है और उनको पैसे दिए जाते हैं, तब जाके राइट्स खरीदे जाते हैं और वो लोग बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास शायद पैसे की कमी है। ऐसे ही कोई गाना उठा के नहीं कर दिया जाता रिमिक्स, ठीक है। वो पहले वहाँ से राइट्स लिए जाते हैं और स्पेशली जो स्ट्रैटेजी है कि ये लाओ और ये पुराने गाने लाओ और चलाओ और एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके बहुत पहले 4-5 साल पहले देखा तो एकदम से चलने लगे गाने, एकदम से गाने चलने लगे, तो वही लोग कर रहे हैं, ये लोग रिपीट करने लगे वही चीज़, क्योंकि बिजनेस में उनको तो भाई प्रॉफिट चाहिए ना। ही तो देखो जो भूषण कुमार हैं, ही डजंट केयर अबाउट कंटेंट, ही केयर्स अबाउट बेनिफिट्स, रिजल्ट्स, आउटकम्स, ठीक है। वो कैसे भी करो, नेगेटिव मार्केटिंग करके करो, लेके आओ, कैसे भी करके लेके आओ। हमनवा मेरे भी इन्होंने किया था, अच्छा कंटेंट था, बड़ा पछताओ के किया था, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट था। मेहंदी प्यार वाली हाथों से गया, वो बिल्कुल कंटेंट अच्छा नहीं था, उसमें तो कंप्रेसर ही नहीं काम करता बी प्राक की आवाज़ पे, बी प्राक की आवाज़ पे कंप्रेसर ही नहीं काम करता, मैं लगा के देख चुका हूँ, ठीक है। तो बहरहाल मजाक अपने साइड, अब इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ तक जो मोमेंटम है आप समझ चुके हो, पूरा का पूरा मोमेंटम क्या चल रहा है समझ में आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमें पहले तो मोमेंटम नहीं पता, यहाँ पर मैंने आपका मोमेंटम क्लियर किया। अब क्या करना है, इसमें रोना नहीं है इसको लेके, क्योंकि आप रोते रहोगे 21 साल के हो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक हो जाओगे, रोते ही रहोगे। मैं बहुत सारे सिंगर्स को देख रहा था। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। देखिए हमें एंटरप्रेन्योरिक माइंडसेट की तरह थोड़ा रखना पड़ेगा। यूट्यूब में कवर्स डालूं उससे पैसे आएंगे, नहीं है ये पॉसिबल, बिकॉज 90% जो पैसे हैं वो तो टी सीरीज ले जाता है, जी म्यूजिक लेबल ले जाते हैं। कैसे करोगे, कैसे करोगे, ओरिजिनल तो कोई देखता ही नहीं है। और अगर मान लो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं भी मार रहा है आपके कवर्स पे, तो भी कितना कमा लोगे, हार्डली 20-25 हज़ार रुपये आते हैं, वो भी बहुत व्यूज़ आते हैं तब आते हैं, आपको पता है। और ये जितने भी सिंगर जो ऑलरेडी मार्केट में ऑफलाइन कमा रहे हैं, ये कभी भी आपको सीक्रेट नहीं बताएंगे। आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली यही हो रहा है जो अभी नया ट्रेंड चल रहा है कि पैसे सिंगर्स कैसे कमा रहे हैं। मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे अच्छा खासा कमा रहे हैं बिना किसी लेबल से जुड़े हुए। सबसे पहले ये अंदर अपने निकाल दो कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, वहाँ पे तो चांस ही नहीं मिलेगा। हो आपको लगेगा मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, आप देखो ट्राई करके भाई देख लो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यही होता है प्रॉब्लम। मैं कुछ भी बोलता हूँ ये डिमोटिवेट कर रहा है यार। प्लेबैक सिंगिंग का मतलब है यू आर क्रैकिंग इन द लेबल्स। दिस वॉज पॉसिबल 2000-2002 में 2003 में जब म्यूजिक की समझ थी लोगों को। Why don't you understand? Why are you crying about it? पूरा का पूरा मोमेंटम क्या चल रहा है हमने समझा दिया, समझ में आ गया। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। मैं गायब क्यों था पिछले 1-2 साल से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो YouTube से प्रीमियम कंटेंट से पैसा आता था वो पैसा बहुत कम था मेरे लिए। मैं मेडिकल डिग्री कर चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं पसंद है कि मैं पढ़ाई करके पैसे कमाऊँ, मतलब उस अपनी जो पढ़ाई कंप्लीट करी उससे पैसे निकालूँ। मुझे म्यूज़िक में ही करना था। जब भी कोई भी बहुत बड़ा क्राइसिस आता है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। लेकिन अगर आपका दिमाग खुला नहीं है पैराशूट की तरह, तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड कंडीशनड है ऑलरेडी। जो कुछ भी रास्ते हैं, एक है मुंबई की ट्रेन पकड़ो, एक है कवर सॉन्ग बनाओ, यही दो रास्ते आपको दिखते हैं पैसे कमाने के। और पैसा कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, व्यूज़ लाना और लोगों के कमेंट, बढ़िया गाना है बढ़िया गाना है, इससे घर नहीं चलता है। आपको घर में कार चाहिए, आपको घर में रेंट देना है, आपको भले ही घर नहीं खरीदना है, यहाँ पे आजकल दिल्ली में रेंट 15-15-20-20 हज़ार रुपये का रेंट है, 10 हज़ार रुपये का रेंट है, कैसे दोगे? ये लोगों की तड़तड़ तड़तड़ तालियाँ, ये सब कमेंट से होगा क्या, कैसे होगा? तो ये जो पहली जो माइंडसेट है ऑलरेडी सिंगर्स का कि मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएं, मैं उनको गाना सुनाता रहूं और वो मुझे ताली बजाते रहें, बस मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस सोच को सही करो पहले। सबसे पहली चीज़ आपको पैसा कमाना है, नंबर वन सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। अब इस पे आते हैं सोल्यूशन पे। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, इनफैक्ट मैं अपना बताना चाहता हूँ, जो प्राइवेट पार्टीज करते हैं। प्राइवेट पार्टीज में मैंने क्या बोला, बहुत बड़ा क्राइसिस आता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या है मैं दिखाता हूँ आपको।
दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बैंगलोर, मुंबई, हर जगह आजकल प्राइवेट पार्टीज यानी हाउस पार्टीज दबा के होती है, दबा के हो रही है, मतलब धड़ल्ले से हो रही है। उसमें वो लोग बुलाते हैं सिंगर्स को, और आपको पता है कितना पैसा मिलता है सिर्फ 2 घंटे गाने का, वो भी सोलो सिंगर विद गिटार, सोलो सिंगर विद गिटार, मिनिमम 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में। मैंने लास्ट ईयर जब कोरोना से पहले एक शो किया था, आई अर्न फॉर 2 आवर्स ऑफ सिंगिंग 30,000 रुपीज, ये भी नॉन फेस्टिवल डेज में। अगर फेस्टिवल आ गया तो 50,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप शुरू में ज़्यादा पैसा मत करो, 6-7 हज़ार रुपये ही सोच के चलो, ठीक है। तो पहला रास्ता है हाउस पार्टीज, प्राइवेट पार्टीज, बैंड्स, शोज, उससे पैसा आप कमा सकते हो। शोज का मतलब ये नहीं कि आपको अरिजीत सिंह की तरह अभी कॉन्सर्ट करना है, उतना मत जाओ अभी, यही प्रॉब्लम है, हम बहुत बड़ा सोच लेते हैं। जो 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 नहीं, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता ना रास्ता, वो सबसे सबसे सही रास्ता होता है, याद रखना इस चीज़ को। तो हाउस पार्टीज पे बहुत पैसा है, इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है, शुभ नाम है उसका, वो 1.5 लाख रुपए कमाता है महीने सिर्फ कैफेज़ में और पार्टीज़ करके, ठीक है। आज उसके पास खुद का सेटअप है, सब कर लिया उसने, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 20,000 रुपये रेंट दे के भी रह सकता है। आप चाहो तो मैं उसको ला सकता हूँ इंटरव्यू पे, वो अपना प्रीमियम अपना रास्ता बता सकता है। उसका कोई चैनल नहीं है, उसके 200-500 सब्सक्राइबर है, 1,000 सब्सक्राइबर है। आतिफ असलम की तरह बेचारा गाता है, वो बहुत ही बढ़िया कमा रहा है और बिल्कुल धड़ल्ले से कमा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो पहले, सबसे पहली चीज़, जिसने भी सबसे पहले, जो लोग हैं 17 से 22 के बीच में जो देख रहे हैं, आपको ये बिल्कुल सही होना चाहिए, गांठ मान लो कि मुझे लोग नहीं चाहिए गाना सुनाने के लिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसे से स्ट्रांग होना है, नहीं तो ना कैमरा खरीद पाओगे, ना ये माइक खरीद पाओगे, ना ये लाइट खरीद पाओगे, ना कंडेंसर माइक खरीद पाओगे, कुछ नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। हर चीज़ आके पैसे पे सुई रुक जाती है आपकी। ये हो गया प्राइवेट पार्टीज। अब प्राइवेट पार्टीज पकड़े कैसे, अब इस पे आते हैं जो मेन गेम है, मार्केटिंग के कोर फंडामेंटल सीखना चालू कर दो। कैसे सीखोगे, सबसे पहले तो मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे चैनल हैं, जो इंग्लिश अगर आपको आती है तो वो अच्छा है, नहीं तो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, सलील नाम है, शायद साहिल नाम है उसका, उसकी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, उसका डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स है, वो देख लेना, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, बहुत तगड़ा सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेबसाइट बननी है आपकी, वेबसाइट बनने में कोई मेहनत नहीं है, वर्डप्रेस से भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो वो भी हो गया। wix.com पे जाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्या बोला, रिपीट करिए मेरे साथ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, विदिन 1 आवर आपकी वेबसाइट तैयार है, मैंने उसी से बनाई, नीचे जाके मेरी शस्त्र बैंड जो मेरा है उसको जाके नीचे देख लेना, नो प्रीमियम वेबसाइट है वो, लगेगा नहीं कि मतलब कि अच्छा घटिया वेबसाइट है। अब क्या करना है, आपको क्या करना है कि पहले तो ये आपने कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है, अब फोटोज़ कहाँ से लाएँ, थोड़े बहुत अगर कहीं आप कहीं खिंचवा सकते हो, उसको एडिट करवा लो, यू नो उसको फोटो क्रॉप करवा लो, और कोई कॉन्सर्ट्स के पीछे या फिर अपनी एक, मेरी एक बार जाके देख लेना मैंने कैसे किया है। मैंने एक, मेरी फ्रेंड है सुष्मिता, उनको भी मैंने डाल दिया था, तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा आता है लड़कियों के साथ। उसमें बहुत सारी ऐसी भी फ़ोटोज़ हैं जो बैक स्टेज से ली हुई हैं, जो इधर नीचे से ली हुई हैं, स्पीकर्स के बगल से ली हुई हैं, ऑडियंस दिख रही है, सिंगर नहीं दिख रहे हैं। उससे पता क्या लगता है कि हाँ ये इसके शोज़ की फ़ोटो है, जबकि वो मेरे शोज़ की फ़ोटो नहीं है, वो मैंने वहीं से उठाई है, कहीं से, गूगल से, जहाँ पे पता नहीं चला। तो उससे क्या होगा, आपका एक प्रीमियम वेबसाइट तैयार हो जाएगी, जैसे ही कोई अंदर आएगा आप देखो ये, अरे बड़ा सही है यार ये, ठीक है। तो ये कर लेना, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको एक बार वेबसाइट तैयार हो गई, अब आपको बैंड मेंबर्स ढूंढने हैं, बैंड मेंबर्स ढूंढ के आप आराम से कमा सकते हो। आप बैंड मेंबर ढूंढो और आप उनको लीड करो, आपके आपका बैंड होगा वो, आप किसी के बैंड को ज्वाइन मत करो, क्योंकि सिंगर्स में क्लैश बहुत होता है, आर्टिस्ट में क्लैश बहुत होता है, तो आपका खुद का बैंड बनाओ आप, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हो, सिंपल तरीका है, गूगल पे जाओ, लिखो म्यूज़िक एकेडमी नियर मी, वहाँ पे एकेडमी में जाओ, गिटारिस्ट मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे गिटारिस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे ड्रमर्स मिल जाएंगे आपको। म्यूज़िक एकेडमी नियर मी डालो, जितनी भी नियर मी आपकी एकेडमी है सब जगह हो आओ, और वहाँ से ले लो, लोगों से तमीज़ से बात करो, अच्छे से बात करो, लोग जुड़ना पसंद करेंगे। लोगों से बोलो मैं ऐसे बैंड बना रहा हूँ, इंटरेस्टेड है करके आ जाइए, मेरी ये वेबसाइट तैयार हो रही है, कल को शोज़ मिलेंगे, पैसा आपको दिया जाएगा, ठीक है। बहुत पैसा है लाइव शोज़ में, लेकिन लाइव शोज़ में पैसा जो है वो कैसे कमाना है आपको ये समझना होता है पहले। तो एक तो आपने सबसे पहले अपना अपीयरेंस यानी मार्केटिंग में आपने अपना वेबसाइट बना लिया, उसके बाद आपने बैंड मेंबर्स ढूंढ लिए म्यूज़िक एकेडमी नियर मी, इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हो, #drummer डालो, #guitarist डालो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो,
आपको खुद वहां पे #drummer #guitarist इतने सारे मिल जाएंगे, आप सबको मैसेज करो जाके, जो भी आपके प्लेस का है उसको देख लो जाके, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। इंडियन सिंगर्स करके एक पेज है वहां पे, या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत सारे पेजेस हैं, वहां पे जाके लोगों को बस DM करना चालू कर दो, उनके फॉलोअर लिस्ट में जाओ, DM करना चालू कर दो उनको कि भाई देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इंटरेस्टेड हो क्या तुम, गिटारिस्ट हो इंटरेस्टेड, ऐसे करे कर दो, बहुत सारे आपको गिटारिस्ट मिल जाएंगे। हैशटैग डालोगे बहुत सारे गिटारिस्ट मिल जाएंगे आपको इंस्टाग्राम पे, #गिटारिस्ट, #solo गिटारिस्ट, #lead गिटारिस्ट, ये सब आप डालोगे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद जब ये हो गया तो आपने वेबसाइट बना लिया, अब आपको वेबसाइट पे एड्स रन करने हैं। वेबसाइट पे एड रन होगा, मान लो आप कानपुर में रहते हो तो आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है कि कैसे लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ कीवर्ड मैं बता सकता हूँ, सोलो सिंगर नियर मी, लाइव बैंड नियर मी, लाइव बैंड इन कानपुर, सोलो सिंगर इन दिल्ली, सोलो सिंगर इन कानपुर, ये सब डालना चालू कर दो, ठीक है। आपको वहाँ पे वेबसाइट आपकी बन गई, आपका वो तैयार हो गया सब कुछ, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास कॉल्स आएंगी, कॉल्स आएंगी, उनसे बात करो, उनसे बोलो आपका बजट क्या है, उनका बजट क्या है, थोड़ा बहुत सेल्स सीख लो उनसे पहले। पहले आप मत पूछो, पहले आप अपना बजट बताओ कि हमारा बजट तो 15,000 है, फिर वो बोलेंगे देखिए हमारा बजट तो 10,000 रुपये है, तो आ जाओ फिर, कहो ठीक है डन 10,000 में। आप उनसे डायरेक्ट बजट मत पूछो, ये सब सेल्स टेक्निक होती है, ये सब कोर फंडामेंटल्स होते हैं, तो ये यूज़ करके लोग इतना कमा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट वेबसाइट नहीं बनानी है, आप कैफेज़ में ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे कैफेज़ हैं वहाँ पर भी होता है। तो पहले कहने का मतलब है, पहले पैसे से स्ट्रांग बन जाओ, ये हो गया बैंड का एग्जांपल। अब मैं बताता हूँ और क्या क्या इसमें हो सकता है। आप एक गिटारिस्ट हो, आप एक पियानिस्ट हो, आप एक सिंगर हो, आप अपनी क्लासेस चालू कर सकते हो। आप क्लासेस चालू करो, आपको क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी, आपको स्टूडेंट्स आना चालू हो जाएंगे आपके पास। आप एक गिटारिस्ट हो, आप एक पियानिस्ट हो, आप एज अ पियानिस्ट टीचर बन सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, वेबसाइट बनानी है, वही कॉन्सेप्ट है, सारा वही कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे बैंड का था, यहाँ पे बस पियानो, मान लो मैं पियानो टीचर हूँ तो कोई डालता है पियानो टीचर नियर मी, गूगल बिजनेस पे अकाउंट बना लो, ठीक है, गूगल बिजनेस पे अकाउंट बना लो, वहाँ पे कोई डालेगा पियानो टीचर नियर मी, मान लो आपका नाम शिवम है, शिवम द पियानो टीचर, वहाँ लिख के आएगा। गूगल बिजनेस बनाने में 2 मिनट लगेगा आपको, गूगल बिजनेस डालो वहाँ पे आपका वो आ जाएगा। उसके बाद जब धीरे धीरे पैसा आ जाए तो wix.com पे आप वेबसाइट बना लो। 350 रुपये सालाना में वेबसाइट होस्टिंग होती है, वहां पे सेल्स आती रहती है wix.com पे। एक गाना निकल जाएगा, गाना एक म्यूजिक वीडियो बनवा लो, उससे क्या होगा, अच्छा हाँ म्यूजिक वीडियो बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा, हाँ लोग आएंगे तर 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 तर, बहुत बढ़िया गाया, फिर अपना खाना खाने में व्यस्त हो जाएंगे, आपके पास देखोगे आपके जेब में एक पैसा नहीं। म्यूजिक वीडियो बनाओ, 25,000 रुपये पहले म्यूजिक वीडियो को दो, 10,000 रुपये का म्यूजिक प्रोडक्शन करवाओ, 50,000 रुपये म्यूजिक वीडियो बनाओ, उसके बाद लोग देखेंगे अरे तर 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 तर, उसके व्हाट इज दिस तर 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 तर, तड़तर तड़तर से रोटी आती है क्या, बहुत बढ़िया गाय, बहुत बढ़िया गाय, यही तो चाहते हैं सिंगर सारे। थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा हूं, समझने की कोशिश करो, कोई समझाएगा नहीं आपको। आपके जेब में पैसा होना चाहिए, मुझे तेरे घर रोटी चाहिए, ठीक है, समझने की कोशिश करो। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, आज पूरी किताब खोल दूंगा आपके सामने मैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, आपने म्यूजिक प्रोडक्शन मान लो सीखा, मान लो आपको थोड़ा बहुत म्यूजिक प्रोडक्शन आता है, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा, थोड़ा बहुत आ गया, बेसिक लेवल पे आ गया, आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाओ, अपना विजिटिंग कार्ड दे दो, वहाँ पे रिकॉर्डिंग कराने बहुत लड़के आते हैं, बहुत लड़के आते हैं रिकॉर्डिंग कराने, उनको म्यूजिक के लिए म्यूजिक बनवाना होता है, ट्रैक बनवाना होता है। आप जो वहाँ पे रिकॉर्डिस्ट है, जिसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, उसको अपना विजिटिंग कार्ड दे दो ना जाके, कह दो भैया 3,000 का ट्रैक बनवा ले, 2,000 मेरे को दे दियो, 1,000 तू रख लियो। जितने भी कानपुर में अगर आप रहते हो, जितने भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सब जगह जाके विजिटिंग कार्ड छाप दे दो और ट्रैक बना के दे दो। अब आते हैं, आप कहोगे मुझे ट्रैक बनाना भी नहीं आता, आपके पास सिर्फ मान लो माइक है, इक्विपमेंट है, सब कुछ है, तो आप अगेन गूगल बिजनेस पे डाल सकते हो शिवम रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वो लोग आएंगे, 1,000 रुपये पर आर के हिसाब से आप रिकॉर्डिंग करवा सकते हो, आपको ट्रैक बनवाने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप एक वेबसाइट बना सकते हो, वहां पे लोग आएंगे, ट्रैक ऑर्डर करेंगे, 700-600 1,000 रुपये 2,000, क्यों 15,000 का क्यों ट्रैक देना है, 3,000-4,000 का दो ना। म्यूजिक प्रोडक्शन अगर आपको सीखना है कि एग्जैक्टली म्यूजिक प्रोडक्शन कैसे सीखें, तो नीचे मेरा कोर्स है पूरा, जिसमें मैंने बॉलीवुड कवर्स, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग सब एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। 34 वीडियो का प्रोग्राम है, बहुत ही कम प्राइस में रखा है, प्राइस कम है ये मत सोचो क्वालिटी खराब है, 999 का है। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आप उससे म्यूजिक प्रोडक्शन सीख सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सोचना होता है, आप एक गिटारिस्ट हो, आप शोज पकड़ सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो, मार्केटिंग से हर जगह आप देखोगे आपके पास स्किल तो है लेकिन आपके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है। कोर फंडामेंटल सीखो मार्केटिंग के क्या होते हैं, मार्केटिंग के कोर फंडामेंटल सीखो। वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है वो जो मैंने साहिल का कोर्स दिया है वो आप नीचे जाके देखिए, फ्री कोर्स दे रहा बंदा, वो एडवांस मार्केटिंग के कोर्स भी कर रखे हो, उसे पूरा कोर्स देख डालो आप बैठ के। तो ये बेसिकली ऐसे काम होता है, पहले पैसे से स्ट्रांग करो मेरे भैया, पहले अपने आप को पैसे से स्ट्रांग करो। ये जो ये फेम हम चाहते हैं कि हमें कोई गाना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे यार बहुत लोग बोलते हैं अमेजिंग सर ये वो, उससे रोटी नहीं चलती है। अमेजिंग सर फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया कंपोजिशन है, ओरिजिनल बहुत बढ़िया आपने गाया, कि मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेके आऊँगा और उसके बाद मेरा जो एक गाना वायरल हो जाएगा, कितनी कम प्रोबेबिलिटी है। और कब तक होगा और रोटी कब तक आएगी, उसके बाद रोटी कैसे लाओगे, कैसे लाओगे रोटी यार। मैं करके बैठा हूं, मेरे दोस्त करके बैठे हैं लाइव शोज, मैं आपको बता रहा हूं। ये कंपनीज के चक्कर में, एक कंपनी अच्छी है liveonone.in, वो अभी थोड़ी शांत हुई पड़ी है, ठीक है, वो शोज देती है, उसकी भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। अगर आप सब कुछ नहीं करना है तो वो भी, लेकिन वो हार्ड एंड फास्ट, वो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, वो जो भी देंगे मान लो 20,000 रुपये आ रहा है तो 15,000 वो खुद अपनी जेब में रखेंगे, 5,000 रुपये आपको देंगे। तो अगर आप उसमें रेडी हो तो आप वैसे कर सकते हो। मैंने शुरुआत उन्हीं के साथ करी थी, ठीक है, आज मेरे इंडिपेंडेंट शोज हैं। अब आते हैं कि और कैसे कमाएं, बहुत तरीके कमाने के, एक तरीका नहीं है कमाने के, बहुत तरीके हैं। आप ऑनलाइन, मान लो आप नेपाल में हो, आप नेपाल में वेबसाइट बना के इंडिया को टारगेट कर सकते हो। इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सब आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे मेरा ये ट्रैक बना दो, कितने लोगे भाई, 1500 रुपये लूँगा। पहले पैसे से स्ट्रांग करो अपने आप को। ये जो टी सीरीज वी सीरीज लेवल में घुस जाओ, यहाँ घुस जाओ, ये सब से कुछ नहीं होगा। ये सब आप घुसोगे भी ना, आपको पता है 60% पैसा आप टी सीरीज ले लेती है, 40% सिर्फ सिंगर को दिया जाता है। जो भी लाइव शो, मान लो आपने 1 करोड़ रुपये कमाया, 40 लाख रुपये आपको मिलेगा, उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, 60 लाख रुपये टी सीरीज ले जाती है। इनका बिजनेस मॉडल है, पहले तो इनको बढ़िया रिमिक्स वाले गाने निकालो, यूट्यूब से पैसा आएगा, उसके बाद आर्टिस्ट जो हमारा है उससे पैसा आएगा। यही दो तरीके हैं टी सीरीज के पास कमाने के। बिजनेस समझो, एंटरप्रेन्योरिक माइंडसेट लाओ थोड़ा सा। ये जो चलता चला रहा है 90s से जो रास्ते हैं, ये पुराना देखो जो कुछ भी है ना, ब्रॉड विजन लाओ थोड़ा सा। ये पुराना जो कुछ भी रास्ते हैं ये सब ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं, जमाना नया है, नया आ रहा है, चीजें नई हो रही हैं, आप बेटर हो सकते हो, ठीक है। ये नीचे बैशिंग करने से कुछ नहीं होगा कि ये तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, वो नेहा कक्कर ये, नेहा कक्कर वो, गुरु रंधावा ने ये कर, उससे कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा, आप चार गालियां मेरे को निकालोगे, उसके बाद अपने रास्ते चलोगे, फिर वही फ्रस्ट्रेशन, सेम फ्रस्ट्रेशन वही। और मेरे से अगर कोई फ्रस्ट्रेशन समझेगा ही ना, क्योंकि मैं तो उसी रास्ते से गुजर चुका हूँ जहाँ से आप गुजर रहे हो, और कोई भी सिंगर नहीं बताएगा आपको, एक सिंगर नहीं बताएगा। आप मुझे बताइए, एक सिंगर ने डाला हो वीडियो के पैसे कैसे कमाते हैं, कोई नहीं बताएगा। पिछले 14 साल से देख रहा हूं ये जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, इतनी ज्यादा मतलबी कम्युनिटी है ये, मैं, मेरी आवाज और मेरी तनहाई, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, कोई हेल्प नहीं करता किसी की। उसके बाद बाकी लोग भी वैसे हो जाते हैं, फिर ऐसे वो चेन रिएक्शन हो जाता है शुरू, पूरी दुनिया वैसे हो जाती है। अभी ये जो मैंने रास्ते बताए हैं ये 10 साल में ये भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, 20 साल में ये भी ऑब्सोलीट हो जाएगा, फिर एक और नया कुछ क्राइसिस आएगा, फिर एक और कुछ अपॉर्चुनिटी होगी, कुछ नया आएगा। 40 साल दूर का सोच के स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर बनाना चालू किया था, वो उस समय नहीं सोच रहे थे 1960, उनको प्रोडक्ट बनाना, उनको पता था फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है, वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे थे। अभी की नहीं कि मुंबई की ट्रेन पकड़ लो और उसके बाद वहां स्ट्रगल करने चले जाओ। बहुत सारे लोगों को डिमोटिवेशन लगता है, भैया मेरे को माफ कर देना, सच कड़वा होता है, ठीक है। ये इतने सारे मैंने आपको रास्ते बताए हैं, आप देखो कुछ भी आपके अंदर है स्किल, आप हर जगह जाके मार्केटिंग में फंसोगे। कोर फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ना चालू कर दो, और ये जो मैंने रास्ते बताए इसको वीडियो दोबारा सुन लेना, बहुत सारी नई नई डिटेल्स आपको 3-4 बार आप सुनोगे तो उन खुलेंगी, एक बार में सारी डिटेल्स नहीं खुलती। आई होप आपको समझ में आया हो, दिस इज द एंटायर सोल्यूशन।
थैंक यू।